यार काफी भाइयों का मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर, काफी दिनों से मेरे को पूछ रहे थे कि भाई आप कभी भी वीडियोस के अंदर आपने स्कैम्स के बारे में नहीं बताया, बैंकॉक पटाया के अंदर जो स्कैम होते हैं। तो देखो भाई, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स के अंदर बता दूंगा कि क्या स्कैम कैसे होता है, कैसे बचना चाहिए। बाकी यहाँ पे ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आप लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि भाई क्या होता है, कैसे बचना चाहिए स्कैम से। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि 1 अक्टूबर 2022 से थाईलैंड में एंटर करने के लिए क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। बहुत इजी होने वाले भाई, अभी भी बहुत इजी है बट नेक्स्ट मंथ से बहुत इजी हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे दिवाली करने का सोच रहे, उनका हॉलीडे एंजॉय करने के लिए सोच रहे, के लिए काफी आसान हो जाएगा थाईलैंड में एंटर करना। एंड सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, काफी भाइयों ने मेरे को क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ लोग कमेंट के अंदर भी मेरे को पूछा है कि भाई हम लोग नेक्स्ट मंथ से मतलब ट्रैवल करने वाले हैं फैमिली के साथ, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, तो काफी लोग यहाँ पे फैमिली के साथ, सोलो ट्रैवल, ग्रुप के साथ। तो मेरे को ये पूछा कि क्या हमको इंश्योरेंस लेके आना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा जितना मेरे को आइडिया है बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। एंड गाइस, अगर थाईलैंड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कोई भाई मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम बात करेंगे। जब मैं फ्री होगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा और जितना मैं जानता हूं, मैं आपसे जरूर ट्राई करूंगा शेयर करने के लिए। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल हूं थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक के अंदर। तो जी हाँ गाइस, अभी मैं बैंकॉक में हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैं इंडिया से यहां पे रिटर्न हुआ। शायद आपने वीडियो देखा होगा, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, एक मैं जब बैंकॉक से इंडिया गया एंड जब मैं गुजरात टू दिल्ली और दिल्ली टू बैंकॉक मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने एक वीडियो थोड़ा डिटेल्स वीडियो डाला है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस हुआ रास्ते में। तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था कल, आप चेक कर सकते हैं मेरी चैनल के अंदर। करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। आज एक्चुअली जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन आई कि अक्टूबर से ये चेंजेस होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो जल्द से जल्द हमारे सभी भाइयों से शेयर करता है, बिकॉज अक्टूबर के अंदर इंडिया से काफी सारे ऐसे फैमिली से कि जो लोग ने ट्रैवल करने का ऑलरेडी प्लान किया है, बुकिंग कंफर्म किया है। तो मैंने देखा कि आज फ्रेश इन्फॉर्मेशन आई है, तो चलो शेयर कर देते हमारे सभी भाइयों से। आज क्या हो कि हमारे 2-3 सब्सक्राइबर भाई भी इंडिया से आए हैं, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि भाई हम चलते हैं खावसन रोड पे। आज हुआ फ्राइडे, राइट? तो फ्राइडे सैटरडे वहां पे मतलब काफी अच्छा माहौल होता है खावसन रोड के ऊपर। बट हुआ ये कि आज मेरे को वीडियो भी बनाना था और मेरा 10-12 दिन से मैं थाईलैंड में था नहीं, तो थोड़ा मेरा काम भी ज्यादा था, तो काम में मैं थोड़ा फंसा था। बाद में मेरे दोस्तों को भी फोन आया कि भाई कब आ रहे हो, तो मैंने बोला भाई थोड़ा वीडियो भी मेरे को बनाना है, वीडियो अपलोड करके देखता हूँ अगर बारिश नहीं हुआ, क्योंकि बाहर यार बारिश का भी माहौल है। कल भी बारिश हुआ तो मैं भीग के घर में आया, एंड आज भी थोड़ा माहौल ऐसा लगा, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले घर पे जाता हूँ, बाद में अगर बारिश नहीं हुआ टाइम मिला सीधा दोस्तों के साथ जाऊंगा खावसन रोड पे। तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो मेन पॉइंट है वीजा ऑन अराइवल के बारे में, जो होने जा रहा है इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2022 से। बहुत अच्छी बात है कि भाई 30 डेज का भी आपको वीजा मिलेगा, जैसे अभी आपको 15 दिन का मिलता है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई जैसे आपका 14वां दिन है, 14वां डे, तभी आप यहाँ से एग्जिट कर लो, आपके सेफ साइड में है। बट कुछ भाई ऐसे होते हैं कि भाई जिसको 15 दिन से भी ज्यादा यहाँ पर ट्रैवल करना होता है, बट उनके लिए दिक्कत ये होती है कि उनके पास वीजा होता है खाली 15 दिन का, ऑन अराइवल वीजा लिया होता है। एंड ऑनरेबल वीजा ऐसी चीज़ है भाई कि जैसे कि मैं 2 दिन पहले ही मैं इंडिया से आया, राइट? तो मेरी फ्लाइट के अंदर 60-70% लोग जो इंडियन थे वो लोग ने अप्लाई किया ऑनरेबल वीज़ा। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे कि जिसके पास स्टिकर वीज़ा था कि ई वीज़ा था, ज़्यादातर लोग ऑनरेबल वीज़ा लेने के लिए गए, बिकॉज बहुत ईजी है, सीधा आपको शो करना है आपका होटल वाउचर, पेड होटल वाउचर। मैं आपको रूल के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अलग अलग रास्ते नहीं बता रहा हूँ, कोई जैक के कोई सेटिंग में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पेड होटल कंफर्मेशन। अगर आपको पूछा कि होटल वाउचर बताओ, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मेरा होटल वाउचर है और ये पेड है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा। सेकेंड चीज, आपके पास होना चाहिए कैश अमाउंट। सेकेंड पॉइंट कि आपके पास होना चाहिए कैश अमाउंट, चाहे आपके पास US डॉलर हो और थाई बात हो। तो जनरली लोग लाते हैं 10-12 हज़ार लाते हैं, और उतना तो होना ही चाहिए, उतना नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो वो आपके पास रखना, और मैं तो सेफ साइड में बता रहा हूँ भाई, 800-900 हज़ार डॉलर रखिए, क्योंकि थाईलैंड में आने के बाद काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनके पास पैसे खत्म भी हो जाते हैं, तो सेफ साइड में मतलब कोई पैसा नहीं रखते, बाद में इंडिया से मंगाते हैं, किसी से लेना पड़ता है, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, राइट? बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 1000 डॉलर रखिए। मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ आसपास की कंट्री में, तो मैं ऑलवेज 1000 डॉलर एक सेफ साइड में रखता हूँ, यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट है, तो ना तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, ना तो हमको यहाँ पे घूमने में स्टे करने में कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड सबसे जरूरी चीज़,
2500 से 3000 बाद आप बिल्कुल कैश थाई बात रखना, वो आप डॉलर मत लाना, डॉलर आपका अलग रखो जितना रखना है, क्योंकि अभी रेट अच्छा मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, आप थाई बात से ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉलर लेके आओ, बिकॉज अभी डॉलर का जो रेट है बहुत अच्छा है, आपको फायदा होगा डॉलर लाने में। ठीक है, काफी लोग मेरे को पूछते भाई क्या लेके आए, तो मैं जनरली अभी बोलता हूँ, अभी की जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग मैं बोलता हूँ कि भाई आप डॉलर लाइए, अच्छा रेट मिलेगा तो आपको फायदा होगा। राइट, बट मैं आपको क्यों बताया कि भाई 2500 से 3000 थाई बात लाओ, बिकॉज 2000 से 2200 बात आपको वीजा के लिए आपको पे करना है। एंड सेकंड, आपको अगर आपको सिम कार्ड लेना है एयरपोर्ट से, अगर आपको कुछ बाय करना है, कुछ छोटी मोटी चीज लेना है, अगर आपको कोई नियर बाय टैक्सी करना है, तो आपके पास थाई बात अगर कैश होगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बिकॉज मैंने देखा काफी लोग के पास नहीं होता, तो बाद में एक्सचेंज में जाना पड़ता है, वहां पे एयरपोर्ट में थोड़ा रेट हाई होता है, कंफ्यूज होते हैं। तो भाई पहले से मैं बोलता हूँ कि जब आप इंडिया से आते हो तो 4 से 5 हज़ार बात आप रख सकते हैं, 4 से 5 हज़ार बात आप रख सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए। राइट, तो चीयर्स करो, जो लोग नेक्स्ट मंथ से ट्रैवल करने वाले उनके लिए काफी इजी हो जाएगा, 30 डेज का आपको वीजा मिलेगा, तो एंजॉय करो, मौज करो थाईलैंड में। आज की न्यूज के अंदर जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि भाई वीजा ऑन अराइवल जो 15 दिन का था ये तो हमको मिलने वाला है 30 डेज का, ये तो एक सेकेंड जो पॉइंट है, मैं आपसे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूंगा, आप भी बिल्कुल रीड करना ध्यान से वीडियो को पॉज करके, कि जो लोग ट्रैवल करेंगे मतलब नेक्स्ट मंथ से, उनके लिए ये लोग नहीं पूछेंगे कि भाई आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट लाओ, आपका एटीके टेस्ट बताओ, ये आपको नहीं पूछेंगे। तो ये बात मेरे को एक अच्छी लगी, बिकॉज एक हेडेक जो था भाई चेक करने का, ये एटीके लाओ, वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाओ, वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर आओ, बिकॉज काफी लोग के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं है, है तो किसी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अंदर लफड़ा होता है, अभी बोलते कि भाई आधार कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर नहीं अपलोड किया है। तो जो भी बात है नो प्रॉब्लम, अभी का जो न्यूज बता रहे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना कि भाई जो भी ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट मंथ से, उनको ये लोग नहीं पूछेंगे कि आपको नहीं पूछेंगे कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट कहाँ है, आपका एटीके टेस्ट का आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, शायद आपको भी अच्छी लगी होगी। तो गाइस बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट के ऊपर, काफी भाइयों ने मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल किया था, कमेंट के अंदर भी यार पूछते हैं लोग कि भाई थाईलैंड में आने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है क्या नहीं है। तो भाई एज पर रूल मैं बताता हूँ कि ये लोग इंश्योरेंस अभी नहीं मांगते, पहले मांगते जब SHA प्लस होटल था, थाई पास था, तब इंश्योरेंस जरूरी था, बिकॉज वो टाइम में कोविड बहुत हाई था और यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा था, काफी भाइयों को होता था बाद में इंश्योरेंस नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था, बट अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। बट आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल रिस्क फ्री थाईलैंड के अंदर आप घूम सकते हैं। अच्छा वाला इंश्योरेंस लेके आओ, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता, मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपया का होता है, कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तब हमारे लिए बिल्कुल सेफ टाइम होगा। राइट, क्योंकि काफी भाइयों से मेरा बातचीत होता रहता है, वो लोग थाईलैंड में आते हैं तो मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई अर्ज भाई मैं बैंकॉक में हूँ, मैं पटाया में हूँ, मैं कोह सामुई में हूँ, मैं फुकेट के अंदर हूँ, बट मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मेरे को पाँव में मोच। अभी एक मेरा दोस्त है वो गया था कोरल आइलैंड के अंदर, तो उसको मोच आ गई थी कुछ बनाना राइड में के जेट स्की में, आई एम नॉट श्योर, मेरे को फोन करके बताया कि भाई इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा, तो वो फिर हॉस्पिटल में गए, उसको 12-15 हज़ार बाट उसको पे करना पड़ा था। कुछ कुछ भाई से छोटी मोटी गलती हो जाती है, किसी का बैगेज लॉस हो जाता है, कोई जनरली बीमार भी हो जाता है, जैसे फीवर हो जाता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है ट्रैवल के अंदर। राइट, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप सेफ साइड में, बिकॉज आपके पास इंश्योरेंस है तो आपका हॉस्पिटल का खर्चा सबसे पहले बच जाएगा। अगर आपका बैगेज लॉस होता है तो इंश्योरेंस के अंदर वो लोग मेंशन करते हैं कि आपको कितना मतलब उसका रिवर्ट मिलेगा। तो मेन बात तो यही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है तो आप इंश्योरेंस लेके आइए, कोई भी कंट्री में ट्रैवल करो। पहले मैंने भी जितनी भी कंट्री में ट्रैवल किया है मैं ऑलवेज इंश्योरेंस लेके जाता हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए, मेरे सेफ साइड के लिए। राइट, तो आप भी बिल्कुल ला सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आपकी मर्जी, अगर आप लेकर आओगे तो आप सेफ साइड में रहोगे, ये बात पक्की है। राइट, तो ठीक है गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार कोई मन में कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप जरूर बताना। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो कर रहा है, जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।